गंगा को पकड़ने के बाद जीव को खिलाना जीवन गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कामनी सिंह। और कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, क्यों? क्योंकि आज भी एक स्पेशल क्या ये बताती हूँ। कल रात को ना मेरे भाई का फ़ोन आया था, बड़े वाले भाई का, और उसने मुझे बोला, एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जब बबनी का फंक्शन था तो उस दिन ही मेरी फैमिली के सारे लोग आए हुए थे, तो हमने सोचा कि जो मेरा छोटा वाला भाई है ना उसको रख लेते हैं यहाँ पे और 2 दिन बाद ही जाएगा ताकि मैं उसके साथ चले जाऊँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे है रक्षाबंधन, वहाँ पे नहीं, हर जगह है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन में मुझे घर जाना ही, तो 2-3 दिन पहले चली जाती हूँ ये सोच कर। बट वहाँ पे पापा बोले नहीं, काम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, कुछ लोग आने वाले थे नेक्स्ट डे, तो इसीलिए पापा बोले कि नहीं, मैं लेके चला जाऊँगा इसे, ये भी नहीं रहेगा। तो धनवा है। फिर क्या हुआ कि मेरा जो बड़ा वाला भाई है, हाँ ओके, जो मेरा बड़ा वाला भाई है उसने बोला कि दी एक काम कर कि मैं आ जाऊँगा 16 को शाम को लेने के लिए और तब तू मेरे साथ आ जाना। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, तू बताना, ओके तो आओ आओ बताओ, पहले दरवाज़ा बंद करके आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बंद करके। हाँ धनु आया था परेशान करने, ठीक है गया। तो मेरे भाई ने बोला था कि 16 को मैं आऊँगा शाम को, तो तू मेरे साथ ही चल लेना, इसको जाने दे। तो मैंने बोला ठीक है चले जाओ। फिर कल रात को उसका फ़ोन आया और उसने बोला कि दी कल शाम को मैं आ जाऊँ लेने के लिए। तो मैंने बोला नहीं, अभी मैं मम्मी से पर पूछ लेती हूँ फिर बताती हूँ। तो मैं गई मम्मी से बात करने के लिए, मम्मी विशाल का फ़ोन आया था, बोल रहा था जाने के लिए। वहाँ पे मेरी मौसी, जो मौसी जी लोग आई हैं, मौसी सास यानी मम्मी की जो बहन है, 3 और बहन आई हुई है, तो उन लोगों ने पता है आपस में ही कुछ ऐसे ऐसे बातें करने लग गए। फिर एक मौसी से उसी में कहने लग गए, अच्छा मंगल के ना जल जाला ठीक बा, तो तू बुध के जाइए। तो मैंने बोला इससे मौसी जी हम सोमवार के काले चल जाता है, आज चल जाता नहीं शाम के। तो हंसने लग गए सब। और क्या क्या वो बोल रही थी, मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को मैं नहीं बताऊँ, वो बताए तो वो मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। और ये जो ब्लॉग है ये मैं कर रही हूँ अपने मायके जाने की पैकिंग। मैं सोच रही हूँ कि आज ही पैकिंग कर लूँ मैं आज, पता है अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मेहमान हैं बहुत सारे, तो थोड़ा काम में खाना वाना खिलाने में इतना लेट हो गया, मैं फटाफट नहाई। और देखो आज मैंने कंघी भी नहीं किया है, बस ऐसे रबड़ लगा के और चली गई थी खाना देने के लिए। तो खाना वाना तो सबने खा लिया, मैंने भी खा लिया, बट अभी मैं सोची कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं, उसके बाद उठूं, तब जाके मैं अपना जो पैकिंग है मायके जाने की वो करूं, क्योंकि मैं पैकिंग करूंगी, क्योंकि वहां पे भी ना रक्षाबंधन से पहले कुछ स्पेशल है जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली हूँ मैं, मेरे साथ आप लोग वो ब्लॉग देख के। फटाफट से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जैसे ही मैं ब्लॉग डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, उसके बाद मैं पैकिंग करती हूँ, वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू मैं अभी भी रखूँगी और वहाँ से ब्लॉग देखेंगे, ठीक है। टिकट कैंसिल हो गया, एक महीना खाती तू घरे कहे जाते मौसी जी, रोड़ा कितना महीना खाती रहे मौसी जी, 2 महीने के लेंगे। अरे मौसी जी दीदी कहीं जाए सन आफत आयल बड़ी सन हल्दी जाए सन मैंने कल बोला था फिर लोग कहेंगे मोबाइल में लग रहे हैं। आए तो वही से तो तुम्हें तो भगा दी
शाम के जल्दी आ जाए, मतलब दोपहर में जब टाइम मिली मौसी हमारे ऐसे लेट होकर लड़का है, तीन बजे जाएगा वो से थोड़ा सा लेट हो जाए, कल सुबह ही निकल भाई मेहमान तो कहीं देखो मौसी जी लोगों से और मम्मी से सबसे परमिशन मिल गया है और मैं जा रही अपनी पैकिंग कर दे रही हूँ ना। अच्छा तो मम्मी साहब हाँ फिर अब काले को जाए पर्सल राखी ना रही तो ना लेती। पता है क्या हुआ है, बात ये हुई है कि पिछली बार भी जब आप लोगों को पता है उसी टाइम ही पूजा हुआ था तो सब लोग आए थे और मैं चली गई थी, मैं भी चली गई थी, ये भी चली गई थी, क्योंकि उसके दो दिन बाद ही राखी है। राखी का भी दिन आ गई नहीं सर, लेकिन दो दिन पहले करने से शनि चैतवार का लॉकडाउन रहे नानी जी रोड़ा ही सुतल वाली कौन मतलब रोड़ा सुतल आ गए बुद्धि में ठीक बता। अबे मम्मी कह दो के दूसरे में परमिशन दे दे नानी के परमिशन दे दे नानी पहले अब इतना लोगों आ कल कल बात मुझे आशीर्वाद मिल रहा हो मम्मी मुझे अभी ठोक ठोक सुला देगी कि सुतले वाले मुझे ही मेहनत कर धनिया के पास एक भी कपड़ा नहीं है ठीक है गाइस, जब गिफ्ट ओपनिंग करेंगे ना तो लाखों कपड़े उसमें दिखेंगे पर हम इसे एक भी कपड़ा नहीं दिखाएंगे। सो गाइज फाइनली अब घर जाने का टाइम आ गया, पैकिंग अब मैं शुरू करने वाली, पैकिंग में कितना करने वाली अपनी ये न्यू रेड वाले ट्रॉली में यस, जिसमें मम्मी ले गई थी, जो मम्मी के लिए मंगाया था तो मम्मी ने बोला कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है तो इस बार तुम यही लेके चले जाओ, मैंने बोला ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला ट्रॉली, ये सूटकेस मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और गाइज आप लोग मुझे देख सकते हैं मैं साड़ी पहन रखी हूँ, क्या बताऊँ ये साड़ी मैंने पहनी थी सुबह नहाने के बाद मैंने ये साड़ी पहन ली थी क्योंकि अभी तीन चार दिन से हम लगातार साड़ी पहने थे, बट कल मैं नहीं पहन पाई थी, मेरा मन ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा थकान थकान सा हो गया था, मैं सूट पहने थे वैसे ही घूम रही थी क्योंकि सब सो गए थे और बाबू जो है धनु वो नहीं सोया था दिन में, तो पूरे दिन मैं इधर उधर करती रही और मैं सो नहीं पाई थी तो बस बिल्कुल और भी अजीब सा लग रहा था, फिर शाम को जाके सोई थी वो सोया था तो रात को इतना लेट उठा कि फिर रात में नहीं सोया और सुबह सोया 4 बजे तो, और सुबह ही फिर मुझे उठना था, नाश्ता वगैरह बनाना था, सबका सब लोग घर में ही हैं तो सब करना था, इसलिए ना आज क्या हुआ कि दिन में कि मुझे ये मैंने साड़ी पहनी कि मुझे कुछ इंस्टा पे रील वगैरह बनाना है और कुछ भी, तो वही होता है ना कि जब घर में बहुत सारे लोग होते तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। और दूसरा रीज़न ये भी हो गया कि बाबू सो गया फिर, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गया था और रात मंगलवार को कैसे जाओगे, बुधवार के चल जाएगा, तो मैंने बोला था इससे अच्छा मौसी जी मैं सोमवार को ही चली जाती हूँ, तो मौसी जी हंसने लग गई थी और फिर उसके पीठ पीछे मैं जब इधर किचन में आ गई तो वो लोग आपस में बातें कर रही थी और मेरा वो करने के लिए मजे लेने के लिए, कह रही अच्छा अब आएंगे तो कहीं, तो कह रही है चिंता मौसी जी कि काम नहीं हमारा तो काले जाए के अलग हो घर हुआ लेकिन टिकटें कैंसिल हो गए, तो अब हम सोचते नहीं हम 1 महीना रही, फिर रीता मौसी जी कह रही है हम 2 महीना रहें, फिर से संगीता उसके हम 6 महीना रहे, मुझे इतनी हंसी है, मैंने बोला मौसी जी रो लोग यही जी रहें लोग हम ना जम राखी पे हम अपना भाई के बुला लें, ये बात नहीं है कि रो लोग एजा रहे हम लोग तो हम चल जम रहा लोग इनके छोड़ के हम डे राखे है ना कि हम चल जाते नहीं रो लोग एजा बने लोग तो हंसने लगे कि अरे ना ना हो था मजाक करत रहनी है जा हमने की जानत न की जा ये वो मतलब ऐसे मजे करने लग गए, तो वही मैंने आज सूट किया जो अभी आप लोगों ने देखा जो हम बातें कर रहे थे वही सारी बातें वहाँ पर हो रही थी। संगीता मौसी जी तो सीधे साफ से बोले नहीं नहीं हम बस 4 दिन रहे, मैंने बोला मौसी जी सीरियस मत होइए जितने दिन जिसको रहना वो तो रहेगा और बाकी क्या अब तो मुझे जाना ही है तो मैं अपनी पैकिंग शुरू करती हूँ। पैकिंग में क्या करना है मुझे ना मेरे घर 20 तारीख को एक स्पेशल है जो बहुत ही स्पेशल है तो मैं वो ब्लॉग भी शूट करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा
तो इसका स्पेशल है ही, मैं आके जा ही रही हूँ, और उसके बाद फिर रक्षाबंधन है, फिर उस दिन वापस आना है, और अब मैं जा रही हूँ अपना पैकिंग करने, और ज़्यादा कपड़े नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि थर्सडे थर्सडे नहीं, कौन सा दिन पड़ रहा है, 20 तारीख को आई थिंक फ्राइडे पड़ रहा है, तो फ्राइडे को मुझे साड़ी एक पहननी होगी, उस दिन बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, तो मुझे साड़ी पहननी है, तो उस दिन के लिए एक साड़ी रखूँगी, एक रक्षाबंधन वाले दिन के लिए साड़ी रखूँगी, एक कल साड़ी पहन के जाऊँगी, 3 साड़ी हो गया, बाकी बीच में कौन सा पड़ा गया दिन, 18, 19 और 21, 2 दिन के लिए मुझे सूट वगैरह कुछ चाहिए, तो वही देखती हूँ, और नाइट सूट बस वही रख लूँगी और फिर चले जाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं रखूँगी, और इस बार मैं धनवा का अलग से कुछ नहीं रखने वाली, इसी में रख लूँगी और पैक करके लेके चली जाऊँगी। तो चलो भाई पैकिंग शुरू करते हैं, और धनवा का टॉवल दिख रहा था आप लोगों को, और ये होगी यहाँ पर हमारी पैकिंग, पैकिंग शुरू, ये वाला टॉप भी लेके जाने वाली हूँ, बहुत प्यारा सा टॉप है ये, जीन्स पे भी अच्छा लगेगा, वैसे भी अच्छा लगता है, देखती हूँ ये वाला तो जरूर लेके जाऊंगी, और भी टॉप वो भी ले लेती हूँ, देखती हूँ क्या क्या पहनना है, एक दो सूट रखूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं रखूँगी। हाँ, और बहुत सारे आप लोग देखते हैं जब मैं अपने मायके जाती हूँ, बहुत सारे रील से सूट करती हूँ, पिक्स वो करती हूँ, क्लिक करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे भाई हैं बहन है वो सूट कर लेते हैं, तो वो चीज़ मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी, अपडेट रहूँगी वहाँ पे, तो वैसे भी डेली अपडेट रहती हूँ, तो फटाफट से ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग फटाफट से मुझे फॉलो कर लो वहाँ पे, और मज़े लो रील के और पिक के। कहाँ हो, पूछो, उतरो, कहीं इधर तो नहीं आ गए, कहीं आए हैं, चलो इधर से देखते हैं। हाँ चलो 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 चलो, कौन आ गया, कौन आ गया, अब कहाँ जा रहे हो? नानी को देखने। नानी भी आई है क्या आपके लेने आपको? ना अभी जब 5 बजे विवेक फोन किया था ना मम्मी, तब भी वो यही मांग रहा था, चाय रोटी। अब सीधे बैठो सीधे। क्या लाए हैं विवेक मामू आपके लिए? जेम्स कटोरी दूं? दे दे। अभी ला दे। Thank you.
यहाँ पर चारों मौसी जी, मम्मी मिलके, नानी जी भी बैठी हुई थी अपनी बेटियों के साथ, लहसुन और हरी मिर्च काट रहे थे, लहसुन छील रहे थे क्योंकि बहुत सारा लिट्टी बनाना था। इन लोगों ने बोला कि लहसुन हम छील लेते हैं, बाकी बना लेना। दिखाओ मम्मा को भी, दिखाओ मम्मा को। जा ये तो पूरे कैट बन गया है। मैं पूरा कैट वाला था ये। बाबू दूसरा रुको, दूसरा ये वाला। ये कौन से विवेक मामू हैं आपके? रुको रुको मैं बता रहा हूँ। हाँ रुको ना भाई, बाबू बता रहा है। सेंटा वाला करो। मेरी बात सुनो, ये बता रहे हैं। अभी तो कोई साहब नहीं है, फिल्टर लगाओ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये सेंटा वाला करो। सेंटा? अभी मुझे नहीं पता था। नहीं ये दाढ़ी वाला करो, दाढ़ी वाला, बियर्ड वाला। देखो तो जरा, ओह क्या मस्त लग रहा है मामू। क्या मस्त लग रहा है, क्लिक तो करो। क्या मस्त लग रहे हैं बाबू से, क्लिक नहीं हो रहा। लाइट ऑन नहीं है तो इसलिए थोड़ा ब्लर भी आ रहा है। ठीक हो रहा है? ये खींचो खींचो। हाथ खींच दिया वो तो। चलो जा। सो गाइस, आज बन रहा है लिट्टी सेमिया। सेमिया जरूर बनता है, लिट्टी बनता था। आप लोगों ने हमेशा ही देखा होगा छोटे से सवाल वो बड़ा रंग निकाल दिया जो अपने कैमरा रख दी थी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं लिट्टी रही कितना सारा, जो कि मैंने आप लोग स्टार्टिंग में ही बीच में ही बताया था आप लोगों को। कल मम्मी है और जो सब हैं उनको जाना है हरिद्वार। हाँ हरिद्वार जाना नहाने के लिए, तो रात में उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें प्याज नहीं डाला है कि ताकि वो ख़राब ना हो, इसीलिए इतना सारा बंदा। आपको सोच रहे हैं कि ऐसा बार पूरा झीला को खिलाना है, तो झीला को नहीं खिलाना है। हम खाएँगे भी रात में और सुबह मम्मी वगैरह लेके जाएंगे इसे, इसलिए इतना सारा बना। सेमिया तो खैर अभी खाकर खत्म कर लेंगे, शायद चोखा बने अभी उसको। मम्मी मैं कल आपको छोड़ के चला जाऊँगा, बाद में आ जाऊँगा। ये नहीं कल छोड़ के जाऊँगा, बाद में इनको, ये अभी छोटे, इनको नहीं लेने आएगा, इनको नहीं आएगा बेटा, छोटे हैं अभी। मम्मी का गर्दन अच्छे अच्छे हो जाएगा। अब बोल, आई कल बोल दोगे, मैं जल्दी से, आप मुझे राखी बांधोगे ना? आप देखो आपका मम्मी का मैचिंग मैचिंग है, इनका भी है। कल मैं छोटी जाऊंगी, बच्चा छोड़ के चले, कल आपको छोटी चले जाएंगे। आप लोगे? नहीं मैं लूंगी, मैं लूंगी, अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मेरी जो पैकिंग है वो भी हो गई है, वो देख सकते हैं आप सूटकेस, और खाना पीने का टाइम हो गया, सब खाना वाना खा रहे, तो अब मैं जा रही हूँ अपना चेंज करने। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। मैंने बिल्कुल अलग करने की कोशिश की, ये नहीं कि मैं पैकिंग कर रही हूँ तो बस वही चीज़ पैक कर करके वही चीज़ दिखा रही हूँ, नहीं, मैंने बिल्कुल अलग करने की कोशिश की है। पूरी फैमिली व्लॉग बनाया है एंड, तो पसंद आएगा ही, तो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अल्सो प्रेस द बेल आइकन। और अब गुड नाइट भी बोल देती हूँ, बाय बाय गुड नाइट। लेकिन ये वीडियो शायद मैं मॉर्निंग में लाइव करूँ, क्योंकि अधिकतर मेरा जो वीडियो होता है वो मॉर्निंग में ही लाइव होता है, बट नहीं पता। ठीक है, तो मिलते फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, बाइक जाने वाले ब्लॉग में। मम्मी वगैरह सब जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हरिद्वार, उस ब्लॉग में। बाय बाय।